Now open your page number 55. Question number 3. Miming is 12 years old and his mother is 5 years older than him. Hanji? Older than him. How old is his mother? 5 plus आपको ये option लिखा हुआ नजर आएगा, ऐसे लिखा हुआ है आपके उधर. Yes. आपने ट्वेल्व सेंटर में प्लस का साइन लगा देना है बस, और यहाँ पे लिखना है 12 प्लस वाई, और नीचे वाले बॉक्स में भी लिखना है 12 प्लस वाई. नीचे वाले बॉक्स में भी 12 प्लस वाई, ऊपर वाले बॉक्स में भी 12 प्लस वाई, और सेंटर में प्लस. हैव यू डन? Yes, teacher. Okay. Next हमारा है question number 4. Write an algebraic expression for each of the following. Explain your answer. Question number 4 ये आप लोगों ने copy पे solve करना है. उसका part A. उन्होंने क्या कहा? Add 5 to A. आपने ए में क्या करना है? 5 को ऐड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका लिखोगे, क्या लिखोगे? ए में आपने 5 को ऐड करना है, ए प्लस 5. ठीक है, बी पार्ट है हमारे पास, ऐड बी टू 1. इसमें क्या करेंगे आप बताएं इसका आंसर? गुलाम फातिमा, गुलाम फातिमा. यस टीचर. एड बी टू 1, इसका आंसर क्या आएगा? फाइव क्लास, इसका आंसर आएगा 1 प्लस बी, क्योंकि आप 1 में b को ऐड कर रहे हैं. जिस तरह a में 5 को ऐड कर रहे थे, इसी तरह इसमें 1 को b में ऐड कर रहे हैं. ठीक है, सी पार्ट, 4 मोर देन सी. 4 जो है वो आपका सी से ज्यादा है, तो इसका आगे 4 मोर देन है, मतलब प्लस किससे है? सी से. फोर मोर देन सी, 4 प्लस सी. डी पार्ट, डी मोर देन 8. हाँ जी, इसका बताइए मुझे, डी मोर देन 8, इसका क्या आंसर होगा? एट प्लस डी कैसे होगा बच्चे? डी मोर देन 8, जैसे ये किया 4 मोर देन सी, 4 प्लस सी लिखा था ना, इसी तरह डी मोर देन 8, इसका क्या होगा? मैम क्वेश्चन नंबर 3 लिखो. आदिया शहजाद आप बताइए बेटा, डी मोर देन 8. हमारे पास सब्ट्रैक्ट. टीचर क्वेश्चन नंबर 3 करवा दें बुक वाला. बच्ची एक मिनट पहले ये सॉल्व कर लें, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा देती हूँ. टीचर ये कॉपी वर्क है? जी ये कॉपी वर्क है. सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ई में से आपने 3 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से आपने वैल्यूज को माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्ट ई, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ई. ई को 3 को आपने सब्ट्रैक्ट किया किसमें से? ई में से.
अब नेक्स्ट आप लोग बताएंगे मुझे, सब्ट्रैक्ट एफ फ्रॉम सेवन इसका क्या होगा? टीचर सेवन माइनस एफ, वेरी गुड, क्या होगा? सेवन माइनस एफ. नेक्स्ट हमारे पास जी, सिक्स लेस देन जी. लेस देन का मतलब होता है माइनस, तो उन्होंने क्या कहा है? सिक्स आपका लेस देन है जी से, तो इसका आंसर सिक्स माइनस जी. ठीक है, ओके. एच वाला पार्ट बताएं, एच लेस देन टू. एच लेस देन टू क्या होगा? टू माइनस एच. गलत. सेवन माइनस टू जी क्या होगा? सेवन एट माइनस टू. ओके, ये आप लोगों को आज का वर्क है, इसको कंप्लीट कर लें. टीचर बस मेरा थोड़ा सा रह गया जी. कर लें जल्दी से. टीचर पेज नंबर 54 पे मेरा वो थोड़ा सा वर्क रह गया, प्लीज करवा दें. कौन सा? हादिया. टीचर आई हैव डन प्लम फातिमा. ओके हादिया, कौन सा रहता है आपका? बुक शो करवाओ मुझे, अपनी बुक कैमरा ऑन करो, बुक शो करवाओ.